भूत पिशाच देवी देवता के प्रकोप का झांसा देकर लूटपाट करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश की सीमा से हुए गिरफ्तार। भूत पिशाच एवं देवी देवताओं के प्रकोप कष्ट निवारण का झांसा देकर लोगों के घरों में लूटपाट करने वाले आरोपी को गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने तरबियतपुर थाना किठौर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। मामला गौरेला थाना के सिंधी कॉलोनी के बाजार इलाके का है, जहां 16 फरवरी 2021 को सुबह गौरेला बाजार से अपने घर वापस आ रही पीड़िता से शिवम लाज के सामने अज्ञात तीन व्यक्ति मिले, जो देवी प्रकोप चलने एवं पूजा पाठ से कष्ट निवारण होने का झांसा देकर गले में पहने सोने का चैन, वजनी करीब 2.5 तोला, कीमती करीब 1,20,000 रुपए को छल कर ले गए थे। पीड़िता की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि देवी प्रकोप एवं पूजा पाठ का झांसा देकर मेरठ का गिरोह धोखाधड़ी करते हैं, तथा पूर्व में उनके गैंग का एक आरोपी अय्यूब हसन रायपुर जेल में बंद भी हुआ है, जिससे पूछताछ करने पर प्रकरण के आरोपियों की पहचान रफाकत अली, परवेज अली निवासी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश एवं इस्लाम मियां निवासी अमरोहा के द्वारा अपराध घटित करना पाया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और काफी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करा तथा अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इन मामलों को लेकर एक टीम बनाकर हमने दिल्ली की तरफ रवाना की थी, और वो टीम पिछले 10 दिनों से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में रहकर वहाँ पर जो पुराने हमारे जिले के कई प्रकरण लंबित थे उसके आरोपियों की पतासाजी कर रही थी, जिसमें सफलता भी मिली है। मैं प्रकरण वार आपको जानकारी दूंगा। एक प्रकरण था जो गौरेला थाने का 57/21 था, जो धारा 420 और 34 का अपराध निबंध किया गया था। इसमें जो आरोपी गण थे, इन्होंने देवी प्रकोप चलने और पूजा पाठ से कष्ट निवारण को लेकर झांसा देकर ठगी की थी, और इस प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और दो अन्य आरोपी और हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। परवेज अली पिता नीलू मियां, ये 20 वर्ष का है और मेरठ उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसमें 16 फरवरी 2021 की घटना है, जिसमें जो आवेदक है आवेदिका आशा गुप्ता के साथ ठगी हुई थी, और झाड़ फूक करने, पूजा पाठ के संबंध में देवी प्रकोप उतारने के नाम पर ठगी की गई थी। सेम इसी ग्रुप ने रायपुर पुरानी बस्ती में भी एक अपराध को घटित किया था, और वहाँ की टीम भी प्रयासरत थी और एक आरोपी वहाँ गिरफ्तार हुआ, ऐसा पता चला है। अभी जो आरोपी हमने जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसने ये जानकारी दी है कि हमारे प्रकरण में भी एक आरोपी अभी रायपुर जेल में निरुद्ध है, तो उसकी भी गिरफ्तारी हम प्रकरण में करेंगे। ये बेसिकली इन्होंने जो धुआं करके उसमें ऐसा कुछ केमिकल मिलाया था जिससे कि लोग बेहोश हो जाएं, और जैसे अपन सुपरस्टिशन की बात करते हैं, उस वैसे ही जो है परिवार में जो अगर कोई गमी है या दुख है तो उसको दूर करने के नाम पे ठगी करने के उद्देश्य से ही ये झाड़ फूक करने की बात करते थे, और वहां जाकर केमिकल की मदद से धुआं करते थे, और जिससे कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और वहां पर फिर ये लोग जो भी गैस है या ज्वेलरी है उसको लेकर फरार हो जाते हैं। तो इस तरह की घटना गौरेला थाने क्षेत्र में, गौरेला शहर में ही थी, तो ये काफी समय से लंबित था, और इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि मेरठ में ये लोग हैं, तो इसमें पहले भी टीम गई थी लेकिन सफलता नहीं मिली थी, इस बार सफलता मिली है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, दो आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं, उनके बारे में भी पतासाजी का जल्द ही गिरफ्तार।